आप सभी मनुष्य हैं जो श्रवण कर रहे हैं, जो बहरे हैं वो केवल तस्वीर देख रहे हैं, उनको ऐसे शब्दों से क्या लेना क्या देना। प्रथम जिनकी जिज्ञासा ऐसे शब्दों में प्रवेश करने की नहीं होगी, शब्द जो है शरीर में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि शब्द में चेतना प्रवेश करती है। आज बहुत सारे प्रावधान बन चुके हैं सुन करके लोग कहते हैं कि हमने ये चीज़ प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त करना और प्राप्य होना ये अलग अलग विषय है। प्राप्त करना अर्थात स्थूल पदार्थ का, स्थूल वस्तु का या स्थूल ही जो सृष्टि में निर्मित हैं, निर्माण हो चुके हैं, उसको प्राप्त करने की क्रिया में कह सकते हैं। लेकिन प्राप्य होना, जैसे शब्द ही मारा गिर परा शब्द छुड़ायो राज, जिन जिन शब्द विवेकियाँ, विवेकियाँ का विवेक में चेतना में ग्रहण करना, अर्थात हम शब्द में प्रवेश कर जाएं, तब जाके उसको हम विवेकशीलता की स्थिति में आना कहते हैं। प्रकाश, ज्योति, ऊर्जा ये सब एक ही प्रकार से कहे जाने वाले और एक ही साथ इकट्ठा ही रहने वाले अलौकिक जो यंत्र से नहीं जाने जा सकते वो पदार्थ हैं। पदार्थ अर्थात अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, उससे ऊर्जा निकलती है, जिसे ताप भी कह सकते हैं। काफ़ी दूर से भी उसे अनुभव किया जा सकता है और उसकी प्रकाश जो है खुद नेत्रों से देखा जा सकता है या नेत्र को वो प्रकाशित करती है प्रकाश। तो इस प्रकार से इस मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक ही नाम क्यों पड़ा, इसका और कुछ नाम हो सकता था, अमृत लोक भी इसका नाम पड़ सकता था, लेकिन नहीं। मृत्युलोक उसे कहते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का नाश होता हुआ अनुभव होता है, नाश नहीं होता है। जो चीज़ परमात्मा ने सृष्टि करके संसार की रचना की, वो कभी नाश होने वाली चीज़ नहीं है। एक ही बार उसका सृजन हो चुका, वो पांच तत्व हैं। पांच तत्व में परमात्मा की स्वसत्ता है, जिसे तन्मात्राएं कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उसी को जानना जरूरी है या उसी को ग्रहण करना जरूरी है, अर्थात उसमें हम लयबद्ध हो जाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।